रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले राहुल गांधी, कहा यात्रा से बहुत कुछ सीखा, किसानों का दर्द करीब से देखा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी वाले सत्ताग्रही हैं जबकि कांग्रेस पार्टी सत्याग्रही है। राहुल गांधी ने अदाणी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा, पूछा प्रधानमंत्री मोदी और अदाणी में क्या रिश्ता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोली प्रियंका गांधी, कहा किसानों का कर्ज माफ नहीं होता लेकिन दोस्तों के कर्जे माफ हो जाते हैं। प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी की तारीफ की, कहा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से खींची लंबी लकीर, विपरीत विचारधारा वालों को एक साथ आने की जरूरत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ, इससे पहले सिसोदिया ने संजय सिंह के साथ बापू को नमन किया। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आप कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, धारा 144 लागू। सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, कहा अदाणी की नौकरी सरकार, दम है तो अदाणी को गिरफ्तार करें। सिसोदिया से पूछताछ पर आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, राघव चड्ढा ने कहा बीजेपी सिर्फ केजरीवाल से डरती है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा, आम आदमी पार्टी के अंदर डर दिखाई दे रहा है, इससे साफ है कि गड़बड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 98वां एपिसोड, कहा विदेशों में भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोलियों से भुना, कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की मौत। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू, टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन जारी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से अतीक के 3 शूटर गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या से दहशत, कल यानी 27 फरवरी को रामगढ़ सीट पर वोटिंग हुई। सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास से 3 नशा तस्कर को हिरासत में लिया, पुंछ के दीगवार सेक्टर से गिरफ्तारी हुई। अलीगढ़ में निर्माण कार्य की वजह से एक बस के पहिए का बैलेंस बिगड़ा, चलती हुई बस पलट गई, हादसे में 10 से 11 लोग घायल।